गुलिस्तान न्यूज अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर मुस्लिम फरीक ने दलाइल किए पेश, का शिवलिंग का दावा बेबुनियाद, अफवाह से निजाम हो रहा है मुतासिर, अगली समात 30 मई को मुकर्रर। विनय कुमार सक्सेना बने दिल्ली के 22वें एलजी, साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन को नहीं मिली कुर्सी, नाराज होकर तकरीब छोड़कर घर लौटे हर्षवर्धन। यासीन मलिक को उम्र कैद सजा मिलने पर श्रीनगर के मुतद इलाकों में रहा हड़ताल, मलिक के घर के बाहर मलिक मुखालिफ नाराबाजी और पथराव में पुलिस ने 10 नौजवानों को किया गिरफ्तार। नारपुरा शुपा में नामालूम अफराद की शरारत, मछली फार्म में जहरीले केमिकल से 4000 से जायद मछलियां हलाक, मुतासरी ने इंतजामिया से माली मावनत फराम करने की अपील। जम्मू कश्मीर के मौसम में आई तब्दीली, कई इलाकों में तलाबारी और बारिशों से मेवा बागात को नुकसान, लोलाब में तेज हवाओं से रिहायशी मकान को पहुंचा नुकसान। और अब पेश है खबरों की तफसील। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज दोपहर 2 बजे समात शुरू हुई, जिसमें मुस्लिम फरीक ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला सुनने के काबिल नहीं है। मुस्लिम फरीक ने कहा है कि शिवलिंग के बारे में अफवाहें फैलाई गई हैं, यहां कोई शिवलिंग नहीं है। मुस्लिम फरीक के वकील ने ये भी कहा कि अफवाह से निजाम मुतासर हो रहा है। ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग का वजूद अभी तक साबित नहीं हुआ। मस्जिद कमेटी ने कहा कि शिवलिंग के वजूद की अफवाह से अवाम में खौफ हिरास फैल गया है, उसका वजूद साबित होने तक इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। आज की समात में मुस्लिम फरीक ने 2 घंटे तक अपने दलाइल पेश किए। अब अगली समात 30 मई को होगी। वाराणसी के जिला जज अजय कृष्णा वेस्टेश ने ज्ञानवापी मस्जिद के इसकी समात के लिए अगली तारीख 30 मई मुकर्रर की है। मस्जिद कमेटी दोपहर 2 बजे से अपना मौका पेश करेगी। गुज़िश्ता 24 मई को ज्ञानवापी मस्जिद मामले की समात में जज ने दोनों फरीक के दलाइल सुनने के बाद समात के लिए 26 मई की तारीख दी थी और आज की समात मुकम्मल होने के बाद जज ने 30 मई की तारीख आइंदा समात के लिए दे दी है। दिल्ली के 9 तकरीरशुदा लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने आज ओहदे और राजदारी का हलफ उठा लिया। विनय कुमार दिल्ली के 22वें एलजी बने हैं। इससे कबल वो खादी और ग्राम उद्योग कमीशन के चेयरपर्सन के तौर पर खदमात अंजाम दे चुके हैं और वो अनिल बैजल की जगह ली है। इस मौके पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और दीगर आला अफसरान भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी जानब हलफ बरदारी की तकरीब के दौरान अजीब गरीब सूरत हाल तब पैदा हो गई जब साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम की कुर्सी तकरीब में नजर नहीं आई। पूरी तैयारी के साथ तकरीब में पहुंचे डॉक्टर हर्षवर्धन की इस खातिरदारी पर डॉक्टर मासूफ ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और गुस्से में तकरीब को छोड़कर बाहर निकल गए और अपनी रिहायशगाह पर वापस चले गए। इलाहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक को एनआईए अदालत की जानिब से उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद आज भी श्रीनगर के मुतद इलाकों में हड़ताल रही, जिस दौरान यासीन मलिक की रिहायशी इलाका मैसूमा, लालचौक, नौहट्टा और आसपास के इलाकों में कारोबारी इदारे बंद रहने के साथ साथ सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही भी जुजवी तौर मुतासर रही। श्रीनगर के कई इलाकों में दुकानें बंद रही, आवाम की आमद रफ्त और सड़कों पर नकल हरकत बहुत कम दिखाई दे रही थी, ताहम तालीमी और दीगर सरकारी दफातर खुले रहे। श्रीनगर के मुतद इलाकों में हड़ताल के दौरान जहां कारोबारी इदारे बंद रहे और सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही भी जुजवी तौर मुतासर रही, जिसकी वजह से आम जिंदगी मुतासर रही। उधर पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज यासीन मलिक के घर के बाहर मुल्क मुखालिफ नाराबाजी करने और पुलिस पर पथराव करने की पादाश में 10 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि नाराबाजी और पत्थरबाजी में मुलविस मजीद अफराद की निशानदेही की जा रही है और बहुत जल्द उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने कहा है कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल सभी अफराद को पीएसए के तहत
गिरफ्तार किया जाएगा। जराय का कहना है कि गुज़िश्ता शाम पुलिस और सीआरपीएफ की बारी नफरी मैसूमा और मुल्हिका इलाकों में तैनात की गई और मुतअद्दिद घरों पर छापे मारे गए। छापों का ये सिलसिला रात भर जारी रहा। पुलिस ने मुजाहिरों के दौरान ड्रोन कैमरों की मदद से अक्सबंदी की थी और इसी अक्सबंदी के नतीजे में मुजाहिरों की शराकत की गई। पुलिस ने अपने बयान में वालिदैन से कहा कि वो अपने बच्चों को मुजाहिरों और कौम दुश्मन सरगर्मियों से बाज रखें। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से आज एक सेमिनार का इनेकाद किया गया है जिसमें एलजी मनोज सिन्हा मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद रहे। इस मौके पर एलजी ने खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में 70% लोग अभी भी एग्रीकल्चर और इसके साथ मुंसलिक शोबों के साथ जुड़े हुए और मुल्क में जिस तरह से एग्रीकल्चर और उसके मुंसलिक शोबों ने तरक्की में रोल अदा किया है वो काबिले तारीफ है। खासतौर से जम्मू कश्मीर की लगभग 70% आबादी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है। हम कह सकते हैं कृषि हो, हॉर्टिकल्चर हो या और भी इससे लायक चीजें हों, ये जम्मू कश्मीर की आत्मा है। एक बड़ी आबादी का अस्तित्व खेतों और उसके उत्पाद पर निर्भर है। इसलिए पूरे साल इस कास्ट जम्मू हो या इस कास्ट कश्मीर के सहयोग से खेती के विभिन्न प्रयोगों, चुनौतियों तथा उनके समाधान पर चर्चा का क्रम चलता रहता है और मैं कह सकता हूं कि बहुत हद तक रिफॉर्म प्रोसेस को मजबूत बनाने में इन दोनों विश्वविद्यालयों ने, कृषि विश्वविद्यालयों ने काफी सहायता की है। भारतवर्ष में कोरोना महामारी के दौरान एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर ये सबसे रिजिलियंट था। 2020-21 में जहां कृषि विकास दर 3.6% थी, वहीं 2021-22 में ये बढ़कर 3.9% हो गई। और आज अगर हमारा देश दुनिया के सभी देशों में तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है तो ये सच्चाई हमें स्वीकार करनी होगी कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के कारण ही हमारी इकॉनमी में ये बूस्ट आ रहा है। ये आंकड़ा उत्साहजनक है। पिछले साल और इस साल के आंकड़े की अगर तुलना आप करेंगे तो स्वाभाविक रूप से ये उत्साहजनक आंकड़ा है। लेकिन हम अगर औद्योगिक क्रांति और हरित क्रांति के पश्चात के परिदृश्य को पूरी नजर डालेंगे तो लगता है कि इस तरह का ग्रोथ कम से कम 15-20 साल के बाद आया है। ये ग्रोथ पहले ही आना चाहिए था और इसके कारण हमारी चुनौतियां बड़ी हो गई और उन चुनौतियों पर आप चर्चा करें, ये मेरा निवेदन होगा आपसे। जिस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसके अनुपात में क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। नाजरीन खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।